हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सिंपल सी मसाज की हेल्प से कैसे हम अपने लिगामेंट्स और टेंडन्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं। दोनों ही एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं, मतलब कि जोड़ने का काम करते हैं। तो जो टेंडन्स हैं वो मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। लिगामेंट्स का क्या काम है कि ये बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। तो कहाँ पर जुड़ती हैं बोन्स? जहाँ पर हमारा कोई जॉइंट बन रहा होता है। तो लिगामेंट्स का काम हुआ कि वो उस जॉइंट को शेप देते हैं और उसको एक स्टेबिलिटी देते हैं जॉइंट को। इन दोनों के फंक्शन को समझने के बाद हम इनकी इम्पॉर्टेंस को भी समझ गए कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स का हेल्दी होना हमारी मूवमेंट्स के लिए और एक स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब कोई जॉइंट काम करता है तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ करता है, मतलब वहाँ पर बोन्स, मसल्स और जॉइंट सब मिलकर काम करते हैं, तब एक मूवमेंट बनता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन और हमारे बच्चे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर वो इस पॉइंट पर रेगुलर मसाज करेंगे दिन में 2 से 3 बार, तो उनके लिगामेंट्स और टेंडन्स स्ट्रेंथन होंगे, उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। अगर किसी को नेक, शोल्डर, उसके रिब केज के लेटरल साइड या लेग्स में लेटरल साइड कोई क्रैम्प आ गया है, कोई स्पैज्म आ गया है, कोई ऐंठन हो गई है, तो वो इस पर मसाज करेंगे, उन्हें भी उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये मसाज हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को जिस पर मसाज करने से हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स स्ट्रेंथन होंगे और अगर कोई स्प्रेन या क्रैम्प आ गया है तो उससे भी हमें राहत मिलेगी। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारे पैरों पर, आउटर साइड, बाहर की तरफ, लेटरल साइड। ये इस पॉइंट की लोकेशन है, घुटने से नीचे मिलेगा। देखिए, ये डमी का घुटना है, नी, और नी के साइड में, लेटरल साइड हमें ये पॉइंट मिलेगा। पॉइंट का नाम है GB34, गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 34th पॉइंट। इसको मैं आपको एक इमेज में भी दिखा रही हूँ, साइड में आप इसको ध्यान से देखिए, दोनों तरफ मिलेगा, लेफ्ट साइड भी और इस तरफ राइट साइड भी। इस पर आपको मसाज देनी है करीबन 2 मिनट के लिए। एक ही बार में 3 से 4 बार मसाज दीजिए और ये 3 से 4 बार मसाज का जो सेट है, इसको दिन में 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं। जब आप इस मसाज को रेगुलर करेंगे तो जो हमारी मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होंगे और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। मसाज देने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमें इंडेक्स फिंगर से सॉफ्ट और डीप इस तरह से प्रेशर देते हुए सर्कुलर मसाज करनी है। आप चाहें तो सिर्फ डीप प्रेशर भी दे सकते हैं इस तरह से। अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स बनाया है, जिसको सीखने के बाद आप अपनी डे टू डे की 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अपने आप हैंडल कर पाएंगे। और ये सारे ट्रीटमेंट्स हमें अपने हाथों पर देने हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। बहुत आसान है इसको सीखना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.divinecareofficial.com के नाम से है। अगर आपको ये मसाज अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये हमारे मूवमेंट्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।